हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम साइंस पिटागोरसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे या प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन जो पहला है वो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक पौधा है जो संशोधित जड़ों की एक जोड़ी है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो जड़ों की एक जोड़ी है, यानी ग्रुप ऑफ रूट्स है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। अगर हम रूट्स की बात करें तो गाजर, मूली, चुकंदर, टैपियोका और सलजम, ये सभी क्या है, ये आपके रूट्स के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सलजम और गाजर ये क्या है, दोनों रूट्स हैं। प्याज की बात करें तो प्याज तना है लेकिन सलजम रूट है। अगर गाजर आलू की बात करें तो आलू आपका तना है और इसमें भी आलू आपका तना है और मटर फली है। तो जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोगों की एक जोड़ी है, यानी इनमें से कौन से ऐसे रोगों की एक जोड़ी है जो जीवाणु से बैक्टीरिया से फैलती है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो जो बैक्टीरिया से डिसीजेस होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनके नाम यहाँ मेंशन किए गए हैं, जिनमें आपका टाइफाइड, निमोनिया, टीबी, हैजा, डिफ्थीरिया, सिफिलिस, सुजाक, डायरिया, टिटनेस, ये सभी क्या है, ये आपके बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हैं। तो यहाँ हमें ये ऐसे ही फाइंड करना है कि कौन बैक्टीरिया से फैलता है। तो अगर टाइफाइड और हैजा की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या यहाँ दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। हैजा भी आपका इससे बैक्टीरिया से फैलता है और टाइफाइड भी बैक्टीरिया से फैलता है, दूषित पानी की वजह से बेसिकली फैलते हैं, अब दूषित पानी में बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ अगर खसरा की बात करें तो जो खसरा होता है ये आपके वायरसेस, यानी जो वायरस होते हैं उनसे फैलता है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दोनों ही टाइप के डिसीजेज दिए गए हैं, यानी जो जर्म्स या जो डिसीजेज आपकी वायरस से फैलती हैं उनके भी नाम मेंशन किए गए हैं, जो बैक्टीरिया से फैलती हैं ये भी मेंशन किए गए हैं। ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, कैसे आपको डाउनलोड करना है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। इसमें कह रहा है कि एक चुंबक है, यानी कि एक मैग्नेट है, उसको लंबाई के अनुसार चार बराबर भागों में काटा जाता है। नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति की तुलना मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति से कैसे की जाएगी, यानी बेसिकली ये पूछा गया है कि यहाँ एक मैग्नेट दिया गया है जिसका जो यानी कि पोल स्ट्रेंथ है वो एम है, लंबाई एल है, इसे लंबाई के सापेक्ष काटा गया है, यानी कि लंबाई के सापेक्ष कह सकते हैं कि पैरेलल काटा गया है। आपसे पूछा गया है कि जो पैरेलल कट किए गए हैं इनकी जो स्ट्रेंथ है, यानी जो पोल स्ट्रेंथ है वो मेन चुंबक की अपेक्षा क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें, यानी अगर हम लंबवत बात करें, तो यहाँ जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो इक्वल होगी, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लंबाई के पैरेलल काटते हैं तो जो आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी वो 1/4 हो जाएगी, यानी कि जो रियल है उसकी 1/4, स्टार्टिंग की स्ट्रेंथ थी उसका उसकी चौथाई भाग हो जाएगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो नया टुकड़ा होगा उसकी ध्रुव शक्ति मूल का 1/4 हो जाएगी, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं और चीजों को समझ भी सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़की 12 किलोमीटर/आवर की स्पीड से साइकिल चलाकर घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने दोस्त के घर जाती है, वह 18 किलोमीटर/आवर की स्पीड से लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, यानी आपसे कह रहा है ये एक लड़की का घर है, ये उसके दोस्त का घर है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी दोनों के घरों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। जब लड़की अपने दोस्त से मिलने जाती है तो 12 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जाती है, लेकिन जब अपने दोस्त के घर से अपने घर वापस आती है तो 18 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आती है। अब आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2S1S2/S1+S2। S1 क्या है, S1 आपकी फर्स्ट स्पीड है और S2 क्या है, S2 आपकी सेकेंड स्पीड है। इस फॉर्मूले से आपको डिटरमाइन करना है, लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम होंगी, यानी कि S1 स्पीड से जितनी भी डिस्टेंस कवर की गई है और S2 स्पीड से जितनी भी डिस्टेंस कवर की गई है, दोनों अगर इक्वल है तभी आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ ये कंडीशन भी दी गई है, मेंशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 साल के एक बच्चे को लगातार थकान और चक्कर आने की शिकायत है। एक रक्त परीक्षण द्वारा पता चलता है कि उसका जो हीमोग्लोबिन है वो 10 ग्राम/डेसीलीटर है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ का सेवन करना उसके लिए सहायक होगा, यानी जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है उसके रक्त में, ब्लड में, वो बहुत कम है,
10 ग्राम प्रति देसी लीटर है, यानी कि ये कम माना जाएगा। उसे क्या होगा, एनीमिया की शिकायत हो सकती है। एनीमिया की जब भी शिकायत होती है तो क्या किया जाता है, ऐसे खाद्य पदार्थ या ऐसे फूड मटेरियल्स को हम खाते हैं जिनमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। तो अगर इनमें हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो आयरन रिच सोर्स है वो आपको पालक देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सेकेंड। अगर आयरन रिच सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पालक होता है आपका, हरी धनिया होती है, बादाम, और इसके बाद सॉरी इसको कुछ कहते हैं बैक्रोली, ऐसे कुछ करते हैं बैक्रोली, कुछ ऐसा ही नेम है इसका। और एक ये सभी क्या है, मीट, ये सभी आयरन रिसोर्सेज हैं। तो जब भी इनेमिया की बात की जाए या हीमोग्लोबिन कम होने की बात की जाए तो आपको यही ध्यान में रखना है ये कॉन्सेप्ट कि जो आयरन रिसोर्सेज हैं उन्हीं को हम प्रोवाइड करेंगे, उन्हें ही हम खाने में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका सेकेंड। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी की थर्मोमेट्रिक तलर के रूप में उपयोग नहीं किए जाने के सही कारण निम्नलिखित में से क्या होंगे। थर्मोमेट्रिक तरल क्या होता है, थर्मोमीटर आपने देखा होगा, उसमें पारा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो पारा होता है। तो आपसे कह रहा है कि पारा की जगह पर जल क्यों नहीं हो सकता, जल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता। तो पहला ऑप्शन दिया गया कि यह पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल सही है, जो जल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। अगर हम उसको थर्मामीटर में फिल करेंगे तो उसकी रीडिंग को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी टेम्परेचर के हिसाब से जब रीडिंग बढ़ेगी तो हमें उसे पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है और कांच में थर्मामीटर कांच का बना होता है। यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट तो सही हो जाएगा, लेकिन कह रहा है इसमें विस्तार का एक उच्च गुणांक है, ये ऑप्शन सही नहीं है, यानी जो सही इसमें फैक्ट दिया गया है, सही रीजन दिया गया है वो सेकंड नहीं है। थर्ड कह रहा है इसमें अन्य तरल पदार्थों की तुलना में उच्च हिमांक और कम क्वथनांक होता है, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि ए और सी ऑप्शन करेक्ट है, इसका जो रीजन है वो ए और सी होगा। यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ जो है यहाँ रीजन दिए गए हैं, यानी कि वाटर का इस्तेमाल हम थर्मामीटर में क्यों नहीं कर सकते, उन सभी के रीजन यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये देखा गया है कि तांबे का जो बर्तन होता है वो बारिश के मौसम में खराब हो जाता है, यानी बारिश के मौसम में आप देखेंगे कि तांबे के बर्तन में आपको हरे रंग की परत दिखाई देने को मिलेगी। तो वही पूछ रहा है कि ये ऐसा क्यों होता है, जो आपका जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो तांबा होता है, कॉपर से, कॉपर इंग्लिश में हम इसको कॉपर कहते हैं और साइंस की लैंग्वेज में भी हम इसे कॉपर कहते हैं, सी यू इसका सिंबल होता है। जब इसे हम बारिश की बात करें तो बारिश में क्या होती है, वायु में नमी होती है, यानी जल की उपस्थिति होती है। तो ये जल की उपस्थिति में कॉपर जो क्रिया कर लेता है, रिएक्शन करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और जो वायु होती है उसमें कई सारी गैसेस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो उससे क्रिया करके ये बना लेता है कॉपर कार्बोनेट। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो कॉपर होता है वो वायु में उपस्थिति नमी और गैसों से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बना लेता है, इससे बर्तनों में हरा रंग मिलता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की हरी कोटिंग, हमेशा हरी कोटिंग आपको देखने को मिलेगी जब भी कॉपर नमी में रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनिए। पहला जो है वो है कि खसरा जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, ये राइट ऑप्शन है या रॉन्ग ऑप्शन है, सही ऑप्शन बताइए। तो खसरा जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, वायरस की वजह से होता है, बहुत तेजी से फैलता है, अगर किसी एक प्लेस पे खसरा हो जाए तो मतलब वहां आसपास के लोगों को खसरा हो जाएगा, इसलिए खसरा का टीका भी लगाया जाता है। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन तो हो जाएगा आपका गलत। फिर नेक्स्ट कह रहा है मलेरिया जो होती है वो आपके प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ये एकदम सही है। मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरा जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या होता है, ये आपका पैरासाइट होता है, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है, ये भी सही हो जाएगा, टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है, दूषित पानी की वजह से होता है, दूषित पानी में होते हैं बैक्टीरिया जिसकी वजह से टाइफाइड और हैजा रोग हो जाता है, तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कुष्ठ रोग वायरस के कारण होता है, क्या ऑप्शन सही है या गलत है, ये ऑप्शन गलत है, कुष्ठ रोग आपके बैक्टीरिया की वजह से होता है ना कि वायरस की वजह से। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। बी और सी किस में दिए हैं, सेकेंड ऑप्शन में, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है कुष्ठ रोग के बारे में और मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के बारे में, तो इसे आप रीड कर सकते हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको हमेशा हेल्प करेगी। अगर आपसे पूछ लिया गया कि कुष्ठ रोग किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो आप बता सकते हैं कि माइक्रो बैक्टीरियम लैप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो तो मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विज्ञान के शिक्षण पर एनसीईएफ 2005 पोजीशन पेपर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण और हस्तांतरणीय कौशल है जो बच्चों को सीखने के लिए सीखने में मदद करता है। यानी हमने कुछ सीखा और उससे जो नॉलेज हमने गेन किया है उसका हम कुछ नया सीखने में इस्तेमाल करते हैं। पहला कह रहा है वैज्ञानिक तथ्यों को सीखने की क्षमता, एबिलिटी टू लर्न साइंटिफिक फैक्ट्स, ये आपका गलत है। एबिलिटी टू रिकॉल द फॉर्मूले टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, रिकॉल की हम बात नहीं करते हैं कभी भी, हम मेमोराइजेशन की बात नहीं करते। तो चाहिए जहां जहां भी आपको रिकॉल या मेमोराइजेशन दिख जाए उसे आपको कैंसर आउट कर देना है। तो आपका सेकेंड और फोर्थ तो गलत हो जाएगा, बचा क्या फर्स्ट और थर्ड। थर्ड कह रहा है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, ये एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही था लेकिन इसके कंपेरिजन में आपको थर्ड ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? किसी कोई भी प्रोसेस हो रहा है अगर उसके आप रीजन को जान लेंगे तो आपको हेल्प करेगा कुछ नया सीखने में। जैसे कि बचपन में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया कि इंसिडेंट रे जब मिरर पे गिरती है तो वो समान यानी कि समान वातावरण में वापस लौट जाती है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो नॉर्मल होता है वो एक सरफेस में होता है, ये आपको रूल सिखा दिए गए हैं, अभी भी आपको याद होंगे। कुछ रूल्स भी ऐसे ही हमें बचपन में सिखा दिए जाते हैं, साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो हमको सिर्फ मेमोराइज होते हैं। जब हमें रिकॉल करना होता है तो हम रिकॉल कर लेते हैं लेकिन उस नॉलेज का, उस लर्निंग का उपयोग हम कुछ नया सीखने में नहीं कर पाते। लेकिन यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर आपको करके सिखाया जाए, यानी लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सिखाया जाए, तो आप क्या कर पाओगे, उसे रिकॉल तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ आपने प्रोसेस को समझ लिया है तो उसको आप कुछ नया सीखने में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो यही होगा कि समस्याओं, वैज्ञानिक जांच की प्रक्रिया को समझने की क्षमता। किसी चीज को अगर हम समझ के कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके ज्यादा इफेक्टिव होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो विज्ञान और छद्म विज्ञान के बीच अंतर का सही वर्णन करता है, यानी साइंस और स्यूडो साइंस के बीच में सही डिफरेंस को क्रिएट कर पा रहा है। पहला कह रहा है कि स्यूडो साइंस इज अनपॉपुलर, हैज नो फॉलोअर्स, ये एकदम गलत है कि स्यूडो साइंस के कोई फॉलोअर्स नहीं है, बहुत पॉपुलर नहीं है, ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड कह रहा है कि स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज आर फॉर्मुलेटेड इन अ मैनर दैट दे कैन नॉट बी टेस्टेड फॉर इनकरेक्टनेस, ये एकदम सही है। स्यूडो साइंस के जितने भी थ्योरीज हैं उनको ऐसे डेवलप किया जाता है, ऐसे फॉर्मुलेट किया जाता है कि उनके इनकरेक्टनेस को आप टेस्ट नहीं कर सकते। यानी साइंस में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो या तो सही होंगे या तो गलत होंगे, लेकिन स्यूडो साइंस में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सही ही होंगे, गलत नहीं हो सकते, उनकी आप चेक नहीं कर सकते। यानी कि साइंस में जो भी रिजल्ट निकल के आया उसे आप बार बार चेक करते रहते हैं ये सही है या गलत है, लेकिन स्यूडो साइंस में जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसको आप चेक नहीं करेंगे कि ये गलत है या सही है। यह मैंने एक्सप्लेन किया, इमेज के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है, आई होप आप अच्छे से समझ पाएंगे। और दोनों के बीच में डिफरेंसेस है वो भी यहाँ मेंशन किए गए हैं। तो इस वीडियो में हमने टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। ये जो नोट्स हैं, ये जो पीडीएफ है आपको फ्री में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।